हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो टैक्सोनॉमी है उसमें तीन कैटेगरी हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसको जो डिस्क्राइब किया था, उसका जो क्लासिफिकेशन दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम का, वो दिया था थियोफास्टस ने एंड कैरोलस लीनियस ने। तो पहले हम देखते हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे थियोफास्टस। तो पहले देखते हैं कि पहले हम डिस्कस करते हैं थियोफास्टस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफास्टस हैं। तो जो थियोफास्टस थे उन्होंने जो प्लांट को क्लासिफाई किया था, उन्होंने उसको प्लांट्स को डिवाइड किए थे फोर ग्रुप में। ही क्लासीफाई द प्लांट इनटू फोर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। उन्होंने प्लांट को जो डिवाइड किया वो फोर ग्रुप में किया था, हर्ब, शर्ब्स, ट्री एंड अंडर शर्ब्स। तो फर्स्ट देखते हैं कि हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो जितने भी जो प्लांट आपके मेडिसिनल प्लांट होते हैं और जिनको आप आसानी से घर पे भी ग्रो करा सकते हैं, आपका जैसा हो गया कोरिएंडर हो गया, आपका जैसा हो गया ओसियम स्नेक्टम हो गया तुलसी, और जैसा आपका हो गया क्रुकुम्मा लोंगा हो गया, हल्दी, एलोवेरा, ठीक है, और आपका हो गया ब्लैक पेपर हो गया आपका, और ये सारे जितने भी जो प्लांट होते हैं, जो मतलब जिनकी क्या होती है, जिनकी ब्रांचेज होती हैं, मतलब कि जिनका जो प्लांट्स होते हैं वो झाड़ी की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, ये अंडर आते हैं हर्ब्स प्लांट के, ठीक है। और जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये सारे हर्ब्स प्लांट होते हैं। अब देखते हैं शर्ब्स प्लांट। तो जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, जैसे रोज़ हो गया ना, और जैसे आपका जितने भी मतलब जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे आते हैं शर्ब्स प्लांट में। और ट्री प्लांट में जितने भी जैसे आपका जिनकी जो जिनकी हाइट होती है और जिनकी रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी स्टेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड स्टेम होती है, वो सब आपके आते हैं ट्री प्लांट के अंतर्गत। उन सबको हम ट्री बोलते हैं। लाइकोपोडियम हो गया आपका, आपका जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम हो गया, आपका एशिया अरेबिका हो गया, ठीक है, बबूल, चमेली और लाइकोपोडियम, जिसे आप क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो सब आपके आते हैं ट्री में, ठीक है। तो ये दिया था थियोफास्टस ने प्लांट को इस बेसिस पे कि जिसकी जो रूट है, अगर किसी प्लांट की जो रूट है वो इतनी मतलब उसकी जो वो स्ट्रॉ मतलब उसकी जो रूट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लाइक जैसे आप ट्री में देखते हो, ट्री प्लांट का स्टेम जो होगा, जो काफ़ी जैसे आप देखते हो लाइकोपोडियम ही ले लेते हैं हम, उसकी क्या होता है वो उसकी जो हाइट होती है अच्छी काफ़ी लंबी होता है, मतलब काफ़ी उसकी हाइट जो होती है वो काफ़ी होती है, और शॉर्ट प्लांट नहीं होते वो लोग वो, और उनकी जो जड़ें होती हैं मजबूत जड़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आते हैं, ट्री प्लांट्स में आते हैं। हर्ब्स प्लांट में वे प्लांट आते हैं जिनकी जो उनको आप तोड़ लेते हैं, मतलब उनकी जो स्टेम होती है, उनकी जो ब्रांचेज होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, वो आते हैं सारे शर्ब्स प्लांट में। और ट्री प्लांट्स में जिनकी स्टेम थोड़ी स्ट्रोंग होती है और जो ब्रांचेज होती है, ठीक है, वो स्टेम से थोड़ा सा हाइट पे निकलती है, ज़्यादा नहीं कुछ कम। जैसे आप रोज़ देखते हो, रोज़ पहले जो आपकी रूट है तो रूट से फिर स्टेम और फिर स्टेम से ब्रांचेस निकलनी उसकी शुरू होती हैं, ठीक है, बिल्कुल वो रूट के पास नहीं होती, तो वो आते हैं आपके शर्ब्स प्लांट। और ट्री में जितना जो ब्रांचेज है अगर वो टॉप पर जाके हो रही है, ठीक है, हाइट पर जाके हो रही है प्लांट की, मतलब बिल्कुल इस टाइम के पास से नहीं हो रही है ब्रांचेस जो आ रही हैं उसकी, ना बिल्कुल रूट के पास से आ रही है, तो वो सब आते हैं आपके अंडर द ट्री आते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे थियोफास्टस ने प्लांट को क्लासिफाई किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो जितना भी जो ही गिव नेम एंड डिस्क्रिप्शन टू सम 500 प्लांट्स इन हिज हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो जो थियोफास्टस थे उन्होंने लगभग 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था, 500 प्लांट्स को
और उन्होंने उसको उनके लिए उन्होंने एक उनकी एक बुक थी जिसके अंदर उन्होंने रखा था, उसका था नाम हिस्टोरिया प्लेंटेरम, ठीक है। तो ये दिया था थियोफास्टस ने। तो जो थियोफास्टस थे उन्होंने प्लांट को एक नेम दिया जिनको फिर बोला गया जेनरिक नेम, ठीक है। जितने भी उन्होंने प्लांट्स पे वर्क किया था उन्होंने उसको एक नो उन्होंने उसको एक नाम दिया था। बिकॉज ऑफ वाइड यूज हिज नेम रिसीव्ड जनरल रिकग्नाइज एंड सम ऑफ देम स्टिल अपेयर एज जेनरिक नेम इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जिन भी प्लांट्स पे थियोफास्टस ने वर्क किया था तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को उन्होंने जो नाम दिए थे उन प्लांट्स को उसको जेनरिक नेम के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल होगा आपका, ठीक है, दुकन एंड एस्फेरोगस। एस्फेरोगस का बॉटनिकल नेम है एस्फेरोगस। और ठीक है, ही पॉइंट आउट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो जो थियोफास्टस थे उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट में भी डिफरेंस बताए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, जब हमने मेंडल का लॉ पढ़ा था तो डाइकोट्स प्लांट्स क्या, डाइकोट्स क्या होते हैं, मोनोकोट्स क्या होते हैं, मैंने ये आप लोगों को बताया है। तो ठीक है, एंड उन्होंने जो इसको डिफरेंस बताए थे डाइकोट एंड मोनोकोट्स में, एंड ऑल्सो रिकोगनाइज डिफरेंस टाइप ऑफ इंसरेशन ऑफ फ्लोरल अपेंडिज, दीज लेइंग फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ फ्लोरा मोर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये था इनका थियोफास्टस का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कैरोलस ली। तो पहले हम देखते हैं कि कैरोलस लीनियस ने किस बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो जो कैरोलस लीनियस थे वो स्वीडन के साइंटिस्ट थे, और इसको हम कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो जो मॉडर्न बॉटनी थी कैरोलस लीनियस को उसका फादर माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी है कैरोलस, मॉडर्न बॉटनी है कैरोलस लीनियस, और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफास्टस, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने जो प्लांट को जो क्लासिफाई किया था उनकी तीन बुक पब्लिश हुई थी। फर्स्ट थी उनकी हार्टस प्लेंडिकस, वो हुई थी 1732 में, एंड सेकंड बुक थी उनकी जनरल प्लेंटेरम, वो हुई थी उनकी 1737 में, और जो लास्ट बुक थी उनकी वो थी उनकी स्पीसीज प्लेंटेरम, ठीक है। तो स्पीसीज प्लेंटेरम उनकी लास्ट बुक थी और वो पब्लिश हुई थी 1753 में। तो स्पीसीज प्लेंटेरम में इन्होंने जो वर्क किया था वो 7300 स्पीसीज के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। तो स्पीसीज प्लेंटेरम वाज पब्लिश्ड इन 1753, ए वर्क वेयर सम 7300 स्पीसीज वेयर डिस्क्राइब एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू हिज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्लांट के सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे दिया था, और जो इन्होंने उसको अरेंज किया था प्लांट को वो भी उनके उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे ही उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, और प्लांट की जो अरेंजमेंट थी वो भी उनके इसी बेस पे थी, ठीक है। तो लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज थॉट आर्टिफिशियल। ही वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट स्ट्रक्चर। तो उन्होंने जो इसे रिकॉग्नाइज किया था वो किसके बेस पे किया था, उसके फ्लावर एंड फ्रूट स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था, कि किसी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है प्लांट्स के फ्लावर और फ्रूट के स्ट्रक्चर के बेस पे अगर आता है तो ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और इन्होंने इसके कुछ 24 क्लासेस थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो करीबन 24 क्लासेस में प्लांट्स को डिवाइड किया था। तो फर्स्ट हैंड का मोनेंड्रिया, मतलब कि जिसमें वन स्टैमन होता है, ठीक है, तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो फिर सेकंड था इसका डाइंड्रल, जिसमें टू स्टैम होते हैं। थर्ड था इसका ट्राइंड्रियल, जिसमें थ्री स्टैमन होते हैं। ऐसे ही करके इन्होंने क्रिप्टोगैमिनिया तक इन्होंने क्लासिफाई किया। जो क्रिप्टोगैमिनिया आते हैं वो आते हैं उनमें आते हैं एल्गी, फंजाई एंड फर्न प्लांट, ठीक है, और मोनोसियस, डाइसियस, पॉलीगैमिया,
ठीक है, तो उन्होंने 24 क्लासेस में प्लांट्स को डिवाइड किया था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम। और आर्टिफिशियल को जो क्लासिफाई किया था, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है थियोफॉस्टस और कैरोलस लीनियस। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सिस्टम के बारे में। थैंक यू।